स्टेटस पे एक इमेज लगाई थी, तो लोगों ने मुझे उस पर रिप्लाई करा था कि भाई आप कहाँ घूमने निकल गए। तो मैंने उनको बताया कि भाई मैं कहीं घूमने नहीं गया। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि इमेज आपने कैसे बनाई। तो मैंने उनको बताया कि भाई ये मैंने AI से जनरेट की है, इस तरह आप लोग भी अपनी इमेज को जनरेट कर सकते हो। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे किस तरह से हम AI की मदद से अपनी वीडियो को अट्रैक्टिव और ब्यूटीफुल बना सकते हैं। उसके लिए हमें किसी हैवी सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं है, ना किसी कोर्सेज वगैरह की ज़रूरत है। सिंपली हमें AI को कमांड देनी है और वो हमारी इमेज को जनरेट कर देगा हमारे मुताबिक। तो आइए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। ये देखिए हम लोग आ चुके हैं लैपटॉप स्क्रीन पर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, गूगल क्रोम को ओपन करेंगे। गूगल क्रोम को हमने ओपन कर लिया। अब इस पर हम लिखेंगे अडोब फायरफ्लाई। ये देखें आ गया, हमने इस पर क्लिक करा तो ये देखें पहले ही आ गया हमारे पास। हमने इस पर टिक करा, ये देखें वेबसाइट जो है हमारे पास खुल चुकी है। आज जो हम सीखने वाले हैं वो हम सीखेंगे जनरेटिव फिल के बारे में हम पढ़ेंगे और सीखेंगे। देखें यहाँ पे दो चीज़ें और भी दे रहा है, टेक्स्ट इफेक्ट, टेक्स्ट टू इमेज, इसके बारे में हम बात भी करेंगे। हमें क्या करना है, जनरेटिव फिल पे काम करना है। तो हमने इसको ओपन कर लिया। अब जब तक ये ओपन हो रहा है, ये देखें यहाँ पर ओपन हो गया है। अब ये दे रहा है क्या, इमेज अपलोड करने का। तो मैंने एक इमेज निकाल के रखी थी जिस पर आज हम वर्किंग करेंगे, इस पर आज हम वर्किंग करेंगे। इसको मैंने क्या करा, ड्रॉप। ये देखें इमेज हमारी ओपन हो चुकी है। अच्छा सबसे पहले ये देखें यहाँ पे हमारे पास तीन ऑप्शन है, एक है इंसर्ट, एक है रिमूव और एक है पान। देखिए इंसर्ट में हम क्या कर सकते हैं, आपको अपनी इमेज में कोई भी चीज़ इंसर्ट करानी है, ऐड करानी है, XYZ वो कुछ भी हो सकती है, जो चीज़ आपके माइंड में है वो चीज़ आप यहाँ पे लिखें तो वो चीज़ आपकी इमेज में क्या है, ऐड हो जाएगी या इंसर्ट हो जाएगी, ठीक है। दूसरा टूल जो है वो हमारा रिमूव करने का है। आपकी इमेज में कोई चीज़ ऐसी आ रही है जिसको आप रिमूव करना चाह रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी इमेज बुरी लग रही है, तो आप क्या कर सकते हैं, उस चीज़ को आप इमेज से रिमूव भी कर सकते हैं और इमेज में पता भी नहीं चलेगा कि वो चीज़ रिमूव हो गई। पान से आप क्या कर सकते हैं, पान से आप इमेज को इधर उधर मूव कर सकते हैं। अब देखिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखें मैंने एक इमेज सेलेक्ट करी है, चाहूँ तो मैं इसका बैकग्राउंड भी रिमूव कर सकता हूँ पर मुझे रिमूव नहीं करना, मुझे सही लग रहा है। आप लोग चाहें तो रिमूव कर सकते हैं। देखें सबसे पहले मुझे क्या करना है, मुझे ये घड़ी जो आ रही है मुझे इसको रिमूव करना है, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले क्या करा, पहले हम चीज़ों को रिमूव करते हैं फिर इस पर वर्किंग करेंगे। अब देखें रिमूव को हमने क्या करा, रिमूव को सिलेक्ट करके हमने इस घड़ी को सिलेक्ट करा। और इसको रिमूव कर दिया। ये देखें हमारी देखें वॉल क्लॉक जो थी वो रिमूव हो चुकी है और देखें बिल्कुल पीछे वाला बैकग्राउंड आ गया। तो यहाँ पे पता ही नहीं चल रहा कि यहाँ पे पहले कुछ था। देखें इसी तरह यहाँ पे हमारे पास क्या दे रहा है, ये इसका लोगो आ रहा है तो मैं चाह रहा हूँ ये भी रिमूव हो जाए। तो सेम मुझे यही करना है। अच्छा ये देखें सबसे अच्छी चीज़ ये कि वॉच के बाद ये नीचे चार ऑप्शन दे रहा है मिलते जुलते, आप इसमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये देखें तो मैंने इसको किप कर दिया, मुझे सही लग रहा है, मैंने इसको किप कर दिया। अब इसके बाद हम आ जाते हैं, हमें ये लोगो जो है ये रिमूव करना है। मैंने लोगो को सिलेक्ट करा और सेम वही प्रोसेस रिमूव पे क्लिक कर दिया। अच्छा ये देखें ये क्या कर लेता है, आप जब भी कोई ऑप्शन को किप करेंगे तो ये तकरीबन 20 से 25 सेकंड लेगा इसको डन करने में। देखें इमेज ऐसी हो गई है, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कुछ था ही नहीं, ठीक है। मुझे ये सही लग रहा है, मैंने इसको किप कर दिया। अब ये देखें इमेज बिल्कुल हमारी क्लीन हो गई है, जो जो चीज़ें हमें बैकग्राउंड से हटानी थी वो यहाँ पे रिमूव हो गई हैं। ये देखें ये सब कुछ AI की मदद से हुआ है। अगर यही चीज़ हम फोटोशॉप पे जाते हैं तो क्या है, हमारा बहुत टाइम कंज्यूम होता और हमारी एफर्ट बहुत लगती, ठीक है। तो ये क्या हुआ, AI की मदद से हमने चुटकियों में सिर्फ उसको टाइप करके क्लिक करके हमने अपना काम करवा लिया, ठीक है। अब हमें देखें, अब हमें रिमूव यही करना था, मैं सोच रहा हूँ हाथ भी रिमूव करके देखता हूँ कैसा लगता है हमारा, ठीक है। तो हम इसको क्या करते हैं, हैंड को भी रिमूव करते हैं, ये हो जाए तो और हमारे लिए अच्छा हो जाएगा। मैं हैंड को रिमूव करता हूँ, ये देखें हैंड को मैंने सेलेक्ट कर लिया और अब रिमूव करके देखते हैं क्या आता है। और ये देखें, और ये देखें हाथ भी हमारा रिमूव हो गया है। और रिमूव होने के बाद इसने देखें इतना प्यारा सा माइक का वायर दे दिया कि पता ही नहीं चल रहा कि यहाँ पर कोई चीज़ थी पहले से, ठीक है। तो ये हमारा बेहतरीन हो गया, हमने इसको किप कर दिया। अब देखें हम चीज़ें इंसर्ट करेंगे। देखें सबसे पहले देखें हमारे पास ये देखें राइट पे एक जगह खाली है, मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे हमारा बुक शेल्फ आ जाए। तो मुझे कुछ नहीं करना, मुझे इंसर्ट को इंसर्ट पे क्लिक करी और उसके बाद मैंने इसको इंस्ट्रक्शन दे दी कि मुझे कहाँ तक बुक शेल्फ चाहिए, मैंने इसे सेलेक्ट कर लिया। अब देखें यहाँ पे नीचे देखें आप टाइप करने का दे रहा है डिस्क्राइब द इमेज यू वॉन्ट टू क्रिएट। अब हम लिखेंगे यहाँ पे बुक शेल्फ। अच्छा आपने लिखते हुए ये ध्यान रखना है कि स्पेलिंग में मिस्टेक ना हो वरना कोई और चीज़ आ जाएगी। ये देखिए हमारे पास बुक शेल्फ आ गया है यहाँ पे, तो जो आपको अच्छा लग रहा है वो आप ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको इसमें कोई पसंद नहीं आ रहा तो मोर पे भी जाएंगे तो ये नए जनरेट करके दे देगा आपको।
देखते हैं इसमें से कौन सा अच्छा लग रहा है, फिर हम उसको डन कर देंगे। ये देखिए मुझे ये अच्छा लग रहा है, आप लोग कुछ भी रख सकते हैं, ये तो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये मैंने इसको डन कर दिया, किप कर दिया, ठीक है। आप नेक्स्ट हमें चाहिए, मैं चाह रहा हूँ हमारे पास नीचे क्या है, टेबल आ जाए। मैंने देखिए नीचे का सेलेक्ट करा और यहाँ पे लिख दिया टेबल। ये देखें हमारे पास क्या है, नीचे एक टेबल आ गई है। देखें चार ऑप्शन दे रहा है, जो आपको अच्छी लग रही है। देखें मुझे पहली वाली अच्छी लग रही है तो मैं इसको डन कर दूंगा, ठीक है। इसके बाद आप देखें यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ मेरे पास एक फ़ोटो फ्रेम आ जाए, ठीक है। तो मैंने ये इसका सेलेक्ट करा, ठीक है, मैंने ये इसका सेलेक्ट करा और यहाँ पे लिख दिया मैंने फ़ोटो फ्रेम। ये देखें इसने चार ऑप्शन दे दिए, तो जो आपको अच्छा लग रहा है वो आप ले सकते हैं। मुझे अच्छा लग रहा है, यही वाला मुझे सही लग रहा है इमेज के हिसाब से, इसको मैंने क्लिक करा। अच्छा देखें अब इस पर इमेज जो है वो मुझे समझ नहीं आ रही है, तो मैं इसको भी चेंज कर सकता हूँ। क्या करा मैंने, इसको अंदर वाली इमेज को मैंने सेलेक्ट करा, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ यहाँ पे ताजमहल लिख के देखता हूँ, ताजमहल मुझे अच्छा लगता है, ताजमहल लिखते हैं। इसके अंदर इमेज फ्रेम के अंदर जो फोटो फ्रेम है इसके अंदर ताजमहल आ जाए। ये देखें इसने ताजमहल हमें दे दिया, और देखें इसने बड़ा प्यारा सा बना के दिया है। मैं और चेंज करके देखता हूँ, तो जो हमें अच्छा लगेगा हम वो उठा लेंगे। मेरे हिसाब से ये भी अच्छा लग रहा है, ये भी अच्छा लग रहा है, ये मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है, मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अब मैं सोच रहा हूँ कि देखें हमारा कंप्यूटर टेबल, तो यहाँ पे एक छोटा सा लैंप होना चाहिए हमारे पास। मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ लैंप, ठीक है। हम लिखेंगे यहाँ पे अब टेबल लैंप, हमें टेबल लैंप चाहिए, एल एम पी टेबल लैंप। ये देखिए हमारे पास प्यारा सा टेबल लैम आ चुका है। हम आगे देखते हैं, देखिए पहला वाला मुझे अच्छा, पहला वाला ये भी अच्छा लग रहा है, ये भी सही है। मुझे इसमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा, मैं मोर कर देता हूँ, चले और देखते हैं और क्या हमें देता है बना के। देखें और लैम आ गए हमारे पास, देखिए मुझे ये वाला सही लग रहा है, अच्छा लग रहा है टेबल के हिसाब से। मैंने इसको किप कर दिया। अब देखिए मैं चारों इस तरफ थोड़ा सा खाली खाली लग रहा है, तो मैं इधर इसको बोलता हूँ कि मुझे लैपटॉप रख के देते हैं यहाँ पे, ठीक है। देखते हैं किस तरह से आता है हमारे पास ये लैपटॉप। मैंने सेलेक्ट कर लिया एरिया, मुझे इतने एरिया में एक लैपटॉप चाहिए, तो अब मैं लिखता हूँ लैपटॉप, LAP LAP टॉप, ठीक है। अब देखते हैं क्या आता है हमारे पास। ये देखिए इसने लैपटॉप भी दे दिया, एप्पल का लैपटॉप आ गया हमारे पास भाई। तो ये भी सही लग रहा है, इमेज के हिसाब से थोड़ा बड़ा है लेकिन ये सही लग रहा है, कोई इशू नहीं है। देखिए इसको भी मैं किप कर देता हूँ। इसके बाद अब लास्ट चीज़ मैं आपको बता दूँगा, टेबल पे मैं सोच रहा हूँ मोबाइल भी एक रखा हुआ छोटा सा, तो देखते हैं यहाँ पे क्या आता है। सेल फोन लिख के देखता हूँ, PSELL PHONE, सेल फोन में लिख के देखता हूँ सेल फोन। ये देखिए एक छोटा सा सेल फोन भी हमारे टेबल पर आ गया है, देखिए ये सही लग रहा है, इसकी लाइट जल रही है, स्क्रीन ऑन है, ये अच्छा लग रहा है। देखिए अब हमें क्या करना है, हमने अपनी इमेज को क्या है पूरी तरीके से बना दिया है, एडिट कर दिया है, मेरे हिसाब से ये सही है। आप लोग अपनी इमेज के हिसाब से जितना एडिट करना चाहे कर सकते हैं। अब मैं इसको क्या करूँगा, मैं इसको डाउनलोड कर लूँगा सिंपली। देखिए मैं यहाँ पर लास्ट में क्या आऊँगा, डाउनलोड पर आऊँगा। अच्छा ये वाला जो इसका वर्जन है, ये जो है ये बीटा वर्जन है, अभी इसका फाइनल वर्जन आना है। तो आप जब भी डाउनलोड करेंगे नीचे लास्ट में क्या देगा, अपना लोगो बना हुआ देगा। आप क्या कर सकते हैं, लोगो आपने हटाना है तो आप अपनी इमेज को हल्का सा क्रॉप कर सकते हैं डाउनलोड होने के बाद, तो आपका लोगो भी हट जाएगा, वो मसला भी हल हो जाएगा। और इस AI ये जनरेटिव फिल की मदद से आप लोग अपनी इमेज को जितना चाहें जैसी मर्जी चाहें अपने दिमाग की क्रिएटिविटी को यूज़ करके, माइंड क्रिएटिविटी को यूज़ करके एडिट कर सकते हैं। जो आप टाइप करेंगे, जो आप लिखेंगे, जो आप उसको इंस्ट्रक्शन देंगे, ये आपको वो बना के दे देगा। सिंपली हमें क्या करना है, इसके अंदर टाइपिंग और क्लिक का सारा काम है। और मैंने देखे अपनी पूरी इमेज को क्या है एडिट कर लिया है बगैर किसी हैवी सॉफ्टवेयर के, तो आप लोग भी इस तरह कर सकते हैं। ये डाउनलोड हो चुकी है मेरे PC में, ये देखें यहाँ पर आ रही है। उम्मीद करता हूँ ये आपको पूरा प्रोसेस समझ में आएगा, कोई मसला हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। अब मैंने कंप्यूटर में जो पहले से कुछ बना के रखी हुई थी वो मैं आपको दिखाता हूँ, वो मैं आपको दिखाता हूँ ज़रा। ये देखें, ये देखें, ये एक मेरी इमेज थी, पिक्चर क्लिक थी, ये मस्जिद की एक इमेज थी। देखें इस पर मैंने क्या करा, इसका मैंने बैकग्राउंड चेंज करा और इस पर मैंने अपने शूज़ ऐड कर लिए। ये देखें कितनी प्यारी लग रही है। अब सेकंड में आपको दिखाता हूँ, ये देखें ये भी मेरी वही इमेज है। तो इसको मैंने क्या करा, इसको मैंने यहाँ पर शूज़ को मैंने इंसर्ट करा है, ठीक है। ऊपर से देखें ये चीले वगैरह आ रही हैं, पीछे देखें लोग खड़े हुए हैं, और एक मैंने गाड़ी को ऐड कर दिया। ये देखें ये भी कितनी रियलिस्टिक लग रही है। आप ये वाली इमेज को देखें, ये भी देखें वही है, देखें पीछे पहाड़ सीनरी आ गई, काऊ वगैरह घूम रही हैं, ये भी देखें कितनी रियलिस्टिक लग रही है। और ये एक मैंने ऐसी बनाई है अभी वाली, तो
उम्मीद करता हूँ ये आपको पसंद आया होगा, आप भी इसको ट्राई करें अपनी इमेज पे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।